होता है हमारे साथ कभी कभी, हम जो पुरानी चीज़ें होती है, पुरानी बातें होती है, उसको याद करते हैं। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हम चले तो जाते हैं कोई राह पर उस राह पर जाने के बाद हमको समझ में नहीं आता है क्या ये सही हुआ, क्या गलत हुआ, और फिर उस समय हमारे साथ कौन देता है, उसी चीज़ को लेकर ही कविता है। तो कविता कुछ इस तरह से है। दूर अपने शहर से, दूर अपने शहर से मैं तन्हा सा था, दूर अपने शहर से मैं तन्हा सा था, अनजान था क्या न जाने क्या होगा, अनजान था मैं न जाने क्या होगा, पर अजीब सी दुविधा हुई, पर अजीब सी एक दुविधा हुई, जैसे किसी अंत में जाकर मैं खड़ा हूँ अनजान शहर में। मैं एक दुविधा में था, जब कोई और रास्ता ना दिखाई दिया, जब कोई और रास्ता ना दिखाई दिया, परिवार को फिर मैंने याद किया, सुन दिल की बातें मेरी खामोशी से उन्होंने, सुन दिल की बातें मेरी खामोशी से उन्होंने, जैसे मेरे जख्मों पर मरहम सा लगा दिया, सुन दिल की बातें मेरे मेरे उन दुखों को मलहम सा उन्होंने लगा दिया। दूर अपने शहर से मैं तन्हा सा था, अनजान था कि आगे क्या होगा। अगली सुबह नींद जब खुली, चौक गया देख, माँ खड़ी थी सामने, रुक जा बाबूजी, टैक्सी को पैसे देते हुए आते होंगे, वो बोलती हुई ये रसोई घर में जा घुसी। नाश्ता बना, मुझे और बाबूजी को बैठाया, फिर अपने हाथों से निवाला मुझे खिलाया। हैरान था मैं, बाबूजी ने बात ये भाप ली थी, क्या हुआ बेटा कहकर मेरे सर को सहलाया। तेरी परेशानी में हमें तो आना ही था, आखिर तू जान है हमारी, हमें तो साथ निभाना ही था। दूरी कितनी भी हो परिवार तो परिवार ही होता है, गिरे जो एक तो बाकियां उसे संभालने में खड़े होता है। दूर अपने शहर से तन्हा सा था, अनजान था कि आगे क्या होगा, पर अजीब सी वो दुविधा थी, जैसे किसी अंत में जा मैं खड़ा था, पर अंत में परिवार जब साथ होता है तो दुविधा भी दूर चला जाता है। जी हाँ, दुविधा भी दूर चला जाता है।